क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। एमपी में जारी कोरोना कहर के बीच जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, ऐसे में एक बार फिर महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के बीच दमों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो झकझोर देने वाली हैं। जिले के बटियागढ़ में लगाए गए नसबंदी शिविर में सीधे सीधे महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। यहां लगे शिविर में महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से वार्ड तक या तो उन्हें पैदल चलकर ले जाया गया या फिर उनके परिजन उन्हें गोद में उठाकर ले गए। आलम यह है कि यहां ना तो स्टाफ है और ना ही स्ट्रेचर, जिससे पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित ले जाया जाए। इतना ही नहीं, कोविड-19 के कहर के बीच भी तमाम नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए लगे इस कैंप में मरीजों और उनके परिजनों के बीच आवारा कुत्ते भी घूमते नजर आ रहे हैं, जो किसी भी नवजात के लिए खतरा बन सकते हैं। इन हालातों के बीच बटियागढ़ के सरकारी अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का बयान अपने आप में हैरान करने वाला है। पीएमओ डॉक्टर आर बागरी की माने तो ऑपरेशन के बाद महिलाओं के पेट में गैस बनती है और इस वजह से ऑपरेशन थिएटर से उन्हें पैदल चलाकर वार्ड तक ले जाया जाता है। वहीं अस्पताल में घूम रहे आवारा जानवरों के सवाल पर वो कहते हैं कि चूंकि अस्पताल मेन रोड पर है, जिससे जानवर आवारा कुत्ते अस्पताल में आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव से है? आपको पलंग नहीं मिला? किसको लेकर आई है यहाँ? क्या नाम है उनका? कितने बजे आ गई थी यहाँ? चाय नाश्ता कुछ मिला है अभी? और पलंग की व्यवस्था? तो अभी आप कहाँ पर बैठी हैं? आज बटियागढ़ में डॉक्टर एमएम पांडे द्वारा 30 ऑपरेशन महिलाओं की जो एलटीटी में किए गए। कितने केस आए थे लगभग? केस तो चूंकि अभी क्या है कि सीजन है एलटीटी का, तो बहुत सारे केस आए थे। उन्हें जांच करवा के और अगले कैंपों में व्यवस्था की गई है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि महिलाओं को पैदल ले जाकर ऑपरेशन के बाद ले जाया गया और फालतू जानवर भी अस्पताल में घूम रहे थे, जैसे कुत्ते गाय। तो क्या व्यवस्था थी अस्पताल में? नहीं, महिलाओं को जो है वो तो सर्जन की परमिशन के हिसाब से, मतलब सर्जन का कहना ये है कि गैस पास हो जाती है, इसलिए महिलाओं को व्हील चेयर में नहीं ले जाते हैं, बेड तक चला के उन्हें लेटा देते हैं। और कुत्ते भी अस्पताल परिसर में घूम रहे थे, गाय भी, तो ये क्या है सर, अव्यवस्थाएं थी यहाँ पर? क्योंकि क्या है कि एकदम रोड साइड में है अस्पताल, और थोड़ी सी क्या है कि केटल का वो दिक्कत रहती है, तो एकदम से अभी क्या है काउ के चल लगा है, तो मिट्टी चूज में हो गई है, इस कारण से जानवर आ जाते हैं। और व्यवस्थाएँ तो वही है कि रोड साइड है। लोगों ने बताया कि सुबह 9 बजे वो आ गए थे, वो ऑपरेशन 4 से 5 बजे हुए हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, हम लोग 9 बजे नहीं बुलाते हैं, क्योंकि क्या है जो केस आ जाते हैं सवेरे से, सर्जन का टाइम 3 से 6 ही है बटियागढ़ में, 3 से 6 ऑपरेशन शुरू होते हैं, तो 12 बजे केस बुलाते हैं, 12 के बाद जांच करा के उनकी, और 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, 6 बजे के पहले ऑपरेशन करवा दें। मॉडर्न हब, ब्रांडेड हॉजरी शॉप, महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें, कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611 09।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ATM के पास सरकारी अस्पताल चौक दमोह।